Actually, Kunal ne kuch nahi kaha mujhse. Maine unse gaadi mein pucha ki kya meri sari achhi hai ya nahi. So he said yes, it's very pretty. Hum late ho gaye the actually. Ye abhi naye naye winter aata na, bahut kam aate hum log. Maine kaha ki meri aankh lag gayi thi. Main late ho gaya tha to mujhe bahut zyada ultimatum de diya gaya tha ki sirf 10 minute mein taiyar hone ke liye. तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छी सारी। हाँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनके लिए और बहुत ही खास मौका है हम सब के लिए और मैं बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमें उन्हें अवार्ड्स देने का मौका मिलेगा, उन्हें डांस परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। एंड आई रिमेंबर जब मैं छोटी थी मैं बैले क्लासेस में जाती थी, आई वॉज़ वेरी गुड, कथक में ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन बहुत खुशी होती थी। सो आई नो दैट यू गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर व्हेन यू डांस। मैं यही कहूँगा कि सॉन्ग एंड डांस इज समथिंग दैट ब्रिंग्स ऑल ऑफ अस टुगेदर और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा जरिया है बच्चों को अपनी एनर्जी डालने का और बहुत अच्छा काम हो रहा है जो एनजीओज कर रहे हैं। सो इन व्हाटएवर वे लिटिल वे वी बीन एबल टू कम हियर एंड सपोर्ट, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, घायल वंस अगेन रिलीज हो रही है 15 जनवरी को, मैं देखना चाहती हूँ खुद, मुझे देखने का मौका नहीं मिला है। सनी सर के साथ काम कर रही हूँ, उनको गुस्सा आ रहा है फिल्म में, तो आई थिंक सभी वो देखना चाहेंगे। आप सभी दर्शकों को हम दोनों की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये लोग बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से डांस के थ्रू जो एक नॉर्मल सी ये बच्चे अपने आप में पा रहे हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ है करने के लिए और मुझे लग रहा है मुझे इनकी डांस एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। एक्साइटेड तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरी जो दो फेवरेट चीज़ें हैं, एक है लिखना और दूसरा है डांस। डांस और म्यूज़िक का जहाँ तक मेरे लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो हमेशा मुझे देखकर या करके खुशी मिलती है। एक हिंदुस्तानी ट्रेडिशन भी ये है कि हर्षोल्लास के मौके पे नाच गाना होता है, चाहे वो शादी हो या सेलिब्रेशन हो। और आज इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बच्चे जो पुलिस कॉन्स्टेबल के बच्चे हैं वो लोग मिलकर पूरे साल ट्रेनिंग करने के बाद में आज यहाँ सबके सामने परफॉर्म करेंगे और ये मौका मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मज़ा आएगा इन लोगों को देखकर। ये लोग प्रूव कर रहे हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है अलग, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी तबके के हों या वर्ग के हों या सेक्शन के हों सोसाइटी के। हाय, मेरा नाम रोहित रॉय है, मैं आप सभी को नए साल आने वाले साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 2016-2015 से बहुत ज़्यादा बेहतर हो आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए। सो विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी एंड प्रॉस्परस 2016। I think when I got a call for this, I was really excited to come here because बच्चों का था और मुझे लगता है कि बच्चों को हमेशा encourage करना चाहिए और यहाँ पर बच्चों को ना ही सिर्फ encourage किया जा रहा है but you know they'll get a sense of you know being empowered and that's why I'm here to encourage them। और इसमें से कई बच्चे बहुत talented हैं और थोड़ा सा push उनको शायद you know life में कुछ stability दें। So I'm just here to support that cause. Well, I really don't want to talk about the numbers of my show. I'm really happy and fingers crossed. I just hope कि लोग ऐसे ही पसंद करते रहें नागिन और हमारा शो देखते रहें और उसको हमेशा जिस पोजीशन पे रखा है उसे रखते रहें। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके, खास करके बच्चों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। बहुत डिफिकल्ट था बच्चों के साथ पिक्चर में एक्टिंग कराना, लेकिन यहाँ पे जो बच्चों ने टैलेंट का ये दिखाया बहुत अच्छा लगा मुझे। और पूरा छोटे से छोटे बच्चे थे, 3-4 साल के, 8-9 साल के, बहुत अच्छा लगा, अलग रूप देखने मिला आज। मैं ऐसा नहीं बच्चों के ऊपर, लेकिन अगर देखो पेशेंस होना चाहिए, जैसे मैंने कहा ना बच्चे के ऊपर फिल्म बनाने के लिए, ऐसा कोई सब्जेक्ट ऐसा कोई इशू आएगा तो डेफिनेटली बनाऊंगा।